वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, आज मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हम पहले वाली क्लास में स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना दोनों के बारे में मैं बताया हूं। बट स्क्वायर रूट निकालने का दो मेथड होता है। पहला मेथड मैंने बताया था उसको फैक्ट, सिंपल फैक्ट, या उसको बोलते हैं प्राइम फैक्ट। प्राइम फैक्टर की एग्जांपल 216, इसका प्राइम फैक्टर करना है तो ऐसे देखिए, प्राइम नंबर से डिवाइड करिए तो 2 2 1 2 0 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 5 10 2 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 4 एंड 10 1 7, 2 7 14, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 9 10, फिर 3 3 3 3 1 10। इस टाइप से इसका फैक्टर करें। फैक्टर करने के बाद स्टूडेंट मैंने ये बताया था कि उसका पेयर बनाया जाता है, बट इसका देखिए पेयर नहीं बनेगा। यहां से यहां इसका पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बनता है उसको ऐसे रूप के रूप में ही लिख दिया जाता है, मीन्स 2 × 2, 2 का पेयर बन गया है तो 2 के पेयर में 2 × 3, और जिसका नहीं बना उसको रूप में ही कर दिया जाएगा, मीन्स 2 × 3। 2 × 3 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 6, रूट 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6√6। ये सिंपल फ्रैक्शन मेथड है। अब सिंपल फ्रैक्शन मेथड को हम जब ऐसे निकालना होगा था, बट अगर पॉइंट में निकालना है पड़ जाए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर जिस बच्चे को ये सब चीज क्लियर हो जाए तो बहुत से कंपटीशन को होल्ड कर सकते। इसमें देखिए, ये रूट निकालने के लिए अक्सर देता है और देने के साथ साथ हमें समझना भी होगा कि ये किसका है। तो अगर कुछ स्क्वायर आपको याद हो, एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 62 64, और 9 का स्क्वायर 81, एंड 10 का स्क्वायर 100। ये देखिए, अगर स्टूडेंट आपको ये पता है कि इसका स्क्वायर यही होगा तो आप उसका रूट भी आसानी से निकाल सकते हो। अगर कहीं आ गया √4, तो √4 किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 लिख देंगे। आ गया कहीं √9, तो 9 अगर दिमाग में है कि 9 का स्क्वायर √3 होता है, मीन्स यहां ये सब स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। तो कुछ स्क्वायर रूट ये तो सिंपल मेथड का है, आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ इसी में देता है पॉइंट जिसे स्क्वायर रूट डिवीजन में चलता है। एक प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं और दूसरा डिवीजन मेथड से निकालते हैं। अब डिवीजन मेथड क्या है इसको हमें जानना है। सिंपल फ्रैक्शन मेथड तो हम बता दिए,
सिंपल अगर फैक्टर करना है तो हम बता दिए कि इस तरह से हो जाएगा। अब डिवीजन मेथड का आपको ज्ञान करना है तो डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट और डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड देखिए क्या है, बहुत ही केयरफुली आपको देखना है। लिख लीजिए 3, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6। तो 2, 5, 6 में देखिए ऐसे बनाने के बाद देखिए एक होता है इंटीजर और एक होता है नॉन इंटीजर। पहले मैं आपको इंटीजर के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद कल नॉन इंटीजर के बारे में बताऊंगा। इंटीजर देखिए, इंटीजर में क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इंटीजर की वैल्यू कैसे हम जानते हैं कि इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट दिखाई दिया, लेकिन इसमें नियम है, प्रॉपर्टीज की है, इसका पेयर बनाते हैं और इंटीजर वैल्यू का पेयर राइट साइड से बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट, और नॉन इंटीजर का पेयर लेफ्ट टू राइट। तो इसमें देखिए इंटीजर है इसलिए इसका पेयर इधर से बनेगा, नहीं है तो 0 बना देंगे। अब पहले डिजिट मिल गई 2, अब देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर हम ले जाए, किस नंबर का स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम्स ले जाएंगे और ऐसे 3 बार लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 1 = 1, इसके बाद माइनस इसमें से कर देंगे तो आ जाएगा 1, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा 2। इसके बाद दूसरा पेयर डाल देंगे पूरा 56। अब ये देखिए यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, बहुत ही टेक्निकल चीज है ये, अगर कहीं आपको क्लियरिटी हो जाए तो स्टूडेंट 100% क्वेश्चन आपका आता रहेगा और उसमें आप सॉल्व भी करते रहेंगे और बढ़िया से सॉल्व कर देंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक 2 की टेबल 50 मिलेगा, 2 × 7 = 7 टाइम्स में तक जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए अगर 7 टाइम्स ले जा रहे हैं तो 27 हो रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, अगर 7 ले जाएंगे तो यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। तो देखिए अगर दोनों एक बार ज्यादा ले गए वहां तक ले गए तो 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14 और प्लस 4 = 14 + 4 = 18। अब ये देखिए वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वैल्यू कम, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं सही है, कभी ऐसा नहीं होता है। अब हम ले जाते हैं बैक कम 6 टाइम, 6 × 6 = 12, 6 × 2 = 12, 6 × 6 = 36, वेरी गुड, 6 × 12 = 12 + 3 = 15। अब ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना मिल गया 16। नेक्स्ट
क्या है, एक बार दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसके बाद ये तो कंप्लीट रूप निकल आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जिसका कंप्लीट रूप निकल आता है वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होती है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो हम आसानी से निकाल ले जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब हम क्या करेंगे? इसके लिए एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल हम ले रहे हैं 7 2 8। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, देख देख के बता नहीं सकते हो। जब इसका पूरा पूरा रूट निकल आए तो जान लो स्क्वायर रूट है, नहीं निकल आए तो स्क्वायर रूट नहीं है। अब देखिए पेयर बनाइए और इसमें जीरो बढ़ जाएगा, टू टाइम्स ले जाइए, थ्री टाइम्स में तीन थ्री या नाइन हो जाएगा, टू टाइम्स ले जाइए तो टू टू या फोर, माइनस कर लीजिए थ्री आएगा, टू टू या ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा फोर, फिर 28 को लाइए, फोर की टेबल अब देखिए 32 में ले जाना है तो 4 8 32 हो जाता है। बट अब देखिए ले जाना है तो पहले चेक कर लीजिए, ये तो हमारे पास इसको हम इरेजर कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो उसमें कटिंग हो जाएगी, इसलिए आप रफ वर्क का इस्तेमाल करें। अब रफ वर्क में हम देखिए कर्व भी डाली देंगे, अगर इसको हम 8 times ले जाते हैं, चलिए 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32 और कैरी 6 38। ये देखिए ज्यादा हो गया, ये कम है, इसलिए 8 times नहीं ले जाएंगे। 8 times 1 times कम कर दीजिए, लेस कर दीजिए तो 7 times ले जाइए, 7 7 49 कैरी 4, 7 4 28 प्लस 4 32। ये भी देखिए ज्यादा, अब ज्यादा हो गया तो अब ये भी 7 times भी नहीं जाएगा, अब जाएगा कितनी टाइम्स, 6 times जाएगा, 6 times ले जाइए, 6 6 36 6 4 24 24 plus 3 27 माइनस के लिए, इससे कम आना चाहिए,
8 माइनस 6 2, 12 माइनस 5 इज 7, 5 52, ये देखिए 52, और ये 56, इसका मतलब अभी ये 7 टाइम्स नहीं जा सकता, तो नहीं जाएगा, तो इसको 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 7 7 9, मीन्स इसका रूट यहीं से नहीं निकलेगा, 26 पॉइंट इसको लिख देंगे 26.3, या इसको ऐसे रूट में लिख देंगे 3 2 8, रूट में लिख दिए। फिर इसके बाद देखिए आप कुछ और एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, 5 3 9 पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बनाएंगे 2 टाइम्स ले जाएंगे, पहले 4 1 आ जाएगा, 3 9 होगा, 4 4 3 12, 3 टाइम्स ले जाइए, 3 3 9 और 3 4 12, 0 1, ये है। इसके बाद अब यहां पॉइंट लगाएंगे और इसमें हम पेयर बना के चले जाएंगे, अब ये देखिए 1000 हो गया, तो ये हो जाएगा 46। अब 46 पॉइंट के बाद मिनिमम 1 डिजिट 2 डिजिट तक निकाल लेना चाहिए, तो देखिए 2 डिजिट में निकालने के लिए हम 4 ओनली 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 12 2 4 8, माइनस कर दीजिए, दैट इज 4, माइनस करेंगे तो 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1, 2 टाइम्स गया था, इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 4 6 4, पॉइंट लगा है, 2 0 और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिए, 4 के टेबल 4 4 जा 16, 4 टाइम्स ले जाइए, देखिए क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 +1 17, 4 6 जा 24, 24 + 1 25, 4 4 जा 16, 16 + 2 18, ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ले जाइए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 19, 3 4 जा 12, 12 + 13, माइनस करिए ये हो जाएगा 1, 7 माइनस 2 9 माइनस 2 7, 15, 15 माइनस 9 6, एंड 6 माइनस 3 = 3। अब ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल दिए, तो निकालने के बाद 3 4 5 चाहे जितने डिजिट आपको निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और निकाल करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट का चेक नहीं हो पाएगा, चेक करना है तो आपको पूरे का जो परफेक्ट स्कोर होता है उसका चेक करिए। नेक्स्ट इसके बाद कल आपको बताएंगे पॉइंट का नॉन इंटीजर का, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मीन्स एग्जांपल 3698.736, दैट इज द नॉन इंटीजर, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कल आपको बताऊंगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।